हेलो दोस्तों, मैं राजू डाबी आज के वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों के मकान का जो सीढ़ी टपे होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसकी सारी प्रोसेस और नॉलेज में देने वाला हूँ दोस्तों। और सबसे पहले आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी पता चलेगा दोस्तों के ये सब कैसे होता है। और नए मिस्त्री के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। पर दोस्तों मेरा वीडियो आप देखिए, अंत तक देखिए शुरू से लेकर, तभी आपको पता चलेगा दोस्तों। चलो अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले तो जो हमने किया है ना वो फुट या डेढ़ फुट खुदाई की है और उसमें पत्थर वगैरह डाल के मसाला भी डाला है और उसके ऊपर मेटल बिछाई दी है हमने, आपको दिख रही होगी। और आप PCC कर ले तो भी चलेगा, 6 इंच का PCC करके ये टपा चुने करे तो भी चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये प्लिंग्स हमारी दिख रहे हैं उसकी हाइट आपको नाप लेनी है कितनी है, और फिर क्या है आपको नाप निकाल के टपे कितने आएंगे वो सब देख के आपको ये जो हमने बिछा है वो आपको करना है, या PCC कर ले तो भी चलेगा। तो दोस्तों ये हमने नाप निकाल लिया है, प्लिंथ लेवल जो है वो हमारा 30 इंच है। तो 30 इंच है तो हम ऊंचे टपे जो कितना करेंगे, 6 इंच के करेंगे तो 5 टपे आएंगे। एक प्लिंक्स का भी गिन लिया वो आपको निकाल देना है, तो 4 आएंगे टपा, आपको सही तरीके से समझना है, 4 आएंगे। ऊपर का तो आपको निकाल देना है। तो दोस्तों इसमें तो हम 3 ही टपे लगाने वाले, क्योंकि एक टपा जो है वो हमारा भर्ती में चला जाएगा, धूल मिट्टी अभी आएगी तो एक टप्पा इसमें दफन हो जाएगा, तो हम इसमें 3 ही टप्पे लगाएंगे। तो दोस्तों हम उसकी चौड़ाई कैसे कितनी रखेंगे, 11 इंच, क्योंकि ऊपर सीधी 12 इंच की स्टाइल हमारी चिपक जाए। तो ये हमने सिर्फ 33 इंच में ही सब कुछ किया है, खुदाई की है और पत्थर वगैरह डाल के मसाला डाल के ऊपर ये मेटल बिछा दी है। और दोस्तों आपको कुछ मिट्टी वगैरह नहीं आता है तो आपको 4 टपे आएंगे 11 इंच के, तो 11 इंच ज़्यादा करना है, PCC कर सकते हैं या ऐसा वगैरह भी कर सकते हैं जो हमने कर रखा है ऑलरेडी ऐसा। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम मसाला बिछा लेंगे, फिर अभी टपे लगाते जाएंगे, चुनाई करेंगे। तो पहले हम ये ब्लॉक आप देख रहे हैं उससे हम चुनाई करने वाले हैं, तो उससे चुनाई करेंगे। तो आप एक बार अभी भी समझ लेना कि 11 इंच चौड़ाई होती है और ऊंचाई 6 इंच होती है दोस्तों, टप्पे हमेशा ऐसे ही होने चाहिए। कोई लोग ज़्यादा कर देते हैं तो बड़ी उम्र वाले चढ़ नहीं पाते हैं, तो ये ध्यान रखें आप। और पहले तो सबसे पहले आपको नाप निकालना होता है, हाइट कितनी है, उसके बाद आपको गिन कर टपे बिठाने होते हैं। तो दोस्तों मैं जो नाप कर रहा हूँ वो 33 इंच, मतलब 33 इंच रख लिया है हमने नाप। तो 33 इंच हमने नाप लिया है, उधर भी 33 इंच माप कर पूरा थर लगा देंगे ब्लॉक का। तो चलो लगा देते हैं।
तो दोस्तों आप देखिए, हमने इसमें दो थर लगा दिए है ब्लॉक के, मतलब कि ये 12 इंच हमने चुनाई कर ली है, दो टप्पे लगा दिए है। क्योंकि दोस्तों हमने 12 इंच क्यों चुनाई की है, एक जो 6 इंच है वो ऐसे ही भर्ती में डूब जाएगा, दफन हो जाएगा, मतलब कि धूल मिट्टी आती है। और दोस्तों फिर ये जो जगह बची है उसमें हमने पत्थर वगैरह डाला है, धूल मिट्टी आप देख सकते हैं, और उस पर पानी डाल रहे हैं। और फिर अब हम मसाला फिर से बिछाएंगे और 11 इंच जगह छोड़ देंगे, मतलब कि एक टपा हमारा हो गया। और फिर अब हम जो चुनाई करेंगे वो ईंटों से करेंगे, दो दो थर लगाएंगे, तो 6-6 इंच के हमारे दो टपे आएंगे। तो चलो लगा लेते हैं अभी मसाला बिछा के। तो दोस्तों आपको भी ऐसे पहले जो जगह बची है उसमें पत्थर वगैरह डाल के, धूल मिट्टी ऐसे बिछा के, पानी अच्छे से डाल देना है ताकि हमारा टपा और बैठे नहीं। तो दोस्तों हमने मसाला ऑलरेडी बिछा लिया है, अब हम 11 इंच पे टपा काटेंगे। अब देखिए तो हमारा 11 इंच का टपा हो जाएगा। तो चलो ये कर लेते हैं, हमने 11 इंच पे रखा है और हमारा 3 टपा आएगा। पर दोस्तों हमने जो ये 2 टपे एक साथ चुने की है वो हमारा 1 टपा ऑलरेडी भर्ती में आ जाएगा। आपको भी भर्ती में नहीं आता है टपा तो आपको तो 1 टपा बढ़ाना है, नीचे जो नीचे की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमने 11 इंच पे फिर रखा है तो हमारा 1 टपा हो जाएगा अभी। तो चलो थर लगा लेते हैं जो 11 इंच पे। चलो दोस्तों 11 इंच छोड़ के हमने फिर से एक थर लगा लिया है, उसकी दर्जे भर देंगे। दोस्तों उधर भी हम इस तरह जो रखे हैं माप वो भी उधर ही रख रहे हैं, तो इसकी दर्जे भर के हम 2 थर लगा देते हैं। चलो मसाला बिछा के तो दोस्तों ऑलरेडी हमारे 2 टपे तैयार हो गए हैं, सीढ़ी टपे। अब 3रा टपा हम बनाएंगे, लगाएंगे 11 इंच पे। फिर से हम एक बार 11 इंच पे ये ईट रख देंगे। अब फिर दोस्तों लास्ट में बचेगा 11 इंच, तो वो 3रा टपा हो गया हमारा। तो चलो 3रे टपे का भी हम 2 थर लगा देते हैं, तो ऊंचाई भी हमारी 6 इंच हो जाएगी। दोस्तों सभी टपे में हमने ऊँचा 6 इंच ही रखा है और चौड़ाई 11 इंच रखी है, और लंबा तो आप जितना भी करना चाहे कर सकते हैं। तो हमारा देखो पूरा लॉबी लंबा है, जितना उतने में सभी में टप्पा लंबा लगाया है। तो चलो 2 थर लगा लेते हैं, तो 3रा टप्पा हमारा कंप्लीट हो जाएगा मसाला मसाला बिछा के। We'll be right back.
तो दोस्तों हमने दो थर लगा दिए तो हमारा तीन टप ये कंप्लीट हो गया, और चौथा जो प्लिंथ लेवल वाला है वो भी 6 इंच ही बचा है दोस्तों। तो हमारा टोटल 4 टप ये हुए और 3 हमने चुनाई की, और 4 टप आते थे पर एक हमारा दफन हो जाता था भर्ती में, तो 3 ही कर दिए हमने, एक उसके ऊपर लगा लिया क्योंकि एक दफन हो जाएगा तो 3 बच्चे टपे हमारे तो हो गए 3 टपे दोस्तों। देखिए चलो इसका मुझे भर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कंप्लीट हो गया हमारा सीढ़ी टपा, आप देखिए मकान के अब इधर कोई भी चढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों जो नीचे दिख रहा है उसमें से हमारा एक टपा जो है वो भर्ती में चला जाएगा, आप देख सकते हैं जो ब्लॉक से हमने 2 थर लगाए हैं वो देखिए दोस्तों नज़दीक से ये भी 12 इंच है, तो 6 इंच तो हमारा भर्ती में डूब जाएगा तो बचता है 6 इंच, तो 6 इंच के हमारे 3 टपे हो गए हैं आप देख सकते हैं। एक ऊपर वाला वही रहेगा, नीचे वाला भर्ती में दफन हो जाएगा और उसके ऊपर 6 इंच है और 11 इंच छोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि 11 इंच इसलिए रखते अपना पैर पूरा इसमें आ जाना चाहिए, और टाइल भी 12 इंच की आती है तो सीधी बीत जाएगी हमारे इस सीढ़ी टपे पे। तो दोस्तों देखिए आप नज़दीक से देख सकते हैं पूरा सभी 6 इंच ही है और ऊपर की ओर भी 6 इंच बचा है, और ये एलाकार में भी किया है और उधर क्या है मोटर वगैरह कुछ प्लम्बर फिटिंग का कुछ आता है तो उधर ये बना दिया है, उसमें सब कुछ रह जाएगा उसका आप देख सकते हैं दोस्तों। और ऊपर क्या है ना पत्थर आ जाएगा तो फिर वो अच्छा हो जाएगा, और अंदर उसका पड़ा रहेगा मोटर वगैरह सब कुछ। देखिए दोस्तों ये लाकर में टप्पे बनाए हैं हमने, ये सीढ़ी टप्पे है जो दोस्तों कोई लोग है ना क्या करते हैं नए मिस्त्री ज़्यादा ऊंचे रख देते हैं, तो क्या है ना जो बड़ी उम्र वाले चढ़ नहीं पाते दोस्तों, तो 6 इंच से ज़्यादा आपको नहीं बनाना चाहिए टप्पा, सीढ़ी टप्पा 6 इंच ऊंचे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों यही सही तरीका है मकान का सीढ़ी टप्पा बनाने का, आप कहीं भी मकान के सीढ़ी टप्पे बनाए दोस्तों तो ये तरीका ज़रूर अपनाएं, आप आसानी से कर लोगे। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो में से जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों आगे तक शेयर करें, और दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर अभी भी नहीं है तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी नॉलेज भरा वीडियो आप देख पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।